आज अपन इंटीग्रेशन का एक अलग फॉर्म डिस्कस करेंगे। उसमें इंटी ई द पावर एक्स होता है, फंक्शन होता है और उसका डेरिवेटिव होता है। तो उसका रिजल्ट क्या होगा देखो, ई द पावर एक्स, फंक्शन और उसका डेरिवेटिव। इसका आंसर हमेशा ई द पावर एक्स एफ एक्स होगा। इस फॉर्म पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम है ई द पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो इसको सॉल्व करने के लिए फंक्शन है आपके पास एफ एक्स है साइन एक्स, इसको डिफरेंशिएट कर दो। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स आता है, तो ई द पावर एक्स साइन एक्स कॉस एक्स फंक्शन डेरिवेटिव। तो सीधे आंसर पर लिखेंगे क्या आंसर लिखेंगे, ई एक्स एफ एक्स मीन्स इसको नोट कर दो, राइट नोट कर दो। ये एक दूसरा फॉर्म है ई द पावर एक्स वन अपॉन एक्स वन अपॉन एक्स स्क्वायर बीच में माइनस साइन। तो इसको इस तरह से लिख लो, पहले ई द पावर एक्स एक्स द पावर माइनस वन एक्स द पावर माइनस टू। अब देखो फंक्शन क्या है आपके पास एक्स द पावर माइनस वन और इसका डेरिवेटिव क्या होगा देखो, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स द पावर माइनस वन मतलब माइनस वन एक्स माइनस वन माइनस वन डिफरेंशिएट कर दिया आ गया माइनस वन एक्स माइनस टू। तो इसमें भी वही रूल लग जाएगा, कौन सा रूल, ई द पावर एक्स फंक्शन उसका डेरिवेटिव अगर है तो आंसर होगा ई एक्स एफ एक्स प्लस सी। ये रूल इसमें अप्लाई कर दो तो इसका हिसाब से आंसर आएगा अपना ई एक्स फंक्शन इज एक्स द पावर माइनस वन प्लस सी, ये आंसर होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है ई पावर एक्स टू प्लस साइन टू एक्स अपॉन वन प्लस कॉस टू एक्स। पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे फिर वो रूल लगाएंगे। तो सिंप्लीफिकेशन क्या लिखना, ई पावर एक्स टू साइन टू एक्स का फॉर्मूला होता है टू साइन एक्स कॉस एक्स, तो टू साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन वन प्लस कॉस टू एक्स का होता है टू कॉस कर एक्स माइनस वन। इसको सिंप्लीफाई करना टू प्लस टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन टू कॉस कर एक्स डी एक्स। अब ये इसको डिवाइड कर दो हर जगह, टू टू कैंसिल वन अपॉन कॉस कर एक्स साइन अपॉन कॉस, एक कॉस कैंसिल हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स। अब देखो ई द पावर एक्स सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स। अब ये देखो कौन किसका डेरिवेटिव है, तो इसका डेरिवेटिव ये है ना, तो एफ एक्स क्या लोगे टेन एक्स और एफ एक्स क्या है सेक स्क्वायर एक्स। तो आंसर आएगा इसका ई द पावर एक्स टेन एक्स प्लस सी, वही फॉर्म लगा दोगे तो इसको नोट कर लो, राइट ई द पावर एक्स टेन एक्स प्लस सी फॉर्म वही जो प्रूव बताया हमने, इसका आंसर ये नोट कर लो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई द पावर एक्स लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। इसमें अपन को ये देखना किसका डेरिवेटिव कौन है, अगर आप टेन एक्स को लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव लॉग सेक एक्स तो है नहीं, इसको चेक करते हैं, राइट। तो एफ एक्स अपन ले लेते हैं, एफ एक्स इज लॉग सेक एक्स, इसको डिफरेंशिएट करोगे
लॉग sec x का होगा 1 अपॉन sec x डिवाइड डी एक्स ऑफ sec x चेन रूल से, तो ये आएगा sec x, और sec x का डिफरेंशियल होता है sec x tan x, देखो आ गया ना tan x आ गया। इसका मतलब हमारे पास दोनों ही चीज है फंक्शन डेरिवेटिव, तो इसका सीधा आंसर लिखना e to the power x fx मतलब log sec x, इसको भी नोट कर दो। एक और क्वेश्चन है, इसमें e to the power x माइनस वन का होल क्यूब है। इस प्रॉब्लम में जमा जमाया नहीं है, अपन को जमाना पड़ेगा, मतलब उस फॉर्म में लाना पड़ेगा। कौन से फॉर्म में? e to the power x इनसाइड द ब्रैकेट फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव, उस फॉर्म में लाना पहले। तो कैसे लाएंगे देखो, e to the power x लिखो, x माइनस वन माइनस टू कर दो। अब अगले स्टेप में e to the power x अलग अलग डिवाइड कर दो, अब बहुत हद तक आ गया है। देखो ये आ गया माइनस टू। अब जिनको आइडिया है समझ सकते हैं, इसका डेरिवेटिव ये है। कैसे? एक्स माइनस वन को अगर हमने फंक्शन माना है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस टू, एक्स माइनस वन का माइनस टू माइनस वन, सीधा सीधा दिखा। इसका डेरिवेटिव ये है, इसका मतलब आंसर क्या होगा? आंसर होगा e to the power x x माइनस वन का पावर माइनस टू प्लस सी। इसको नोट कर लो। कई बार ऐसे प्रॉब्लम भी होते हैं जिनमें e to the power x नजर नहीं आता लेकिन होते उसी फॉर्म के हैं, तो उनको हम कैसे उस फॉर्म में लाएं उसका तरीका देखो। जो log x है वो बेस्ड ऑन e रहता है, ये अपन को पता है। तो log x को हम t मान लेते हैं, यहाँ पर log x बेस्ड ऑन e t है, तो इसका मतलब e to the power t is x means x equal to e to the power t। इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो e to the power t का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e to the power t ही होता है। इसका मतलब dx is e to the power t dt, ये चीज यहाँ पुट कर दो। डीएस कर रहे हो तो अब देख सकते हो e to the power t 1 upon t minus 1 minus t to the power minus 2। तो एक तरह से देख सकते हो e to the power t, और इसका डेरिवेटिव ये है, राइट? तो सीधा सीधा लिख दो e to the power t t to the power minus 1 plus t। लेकिन e to the power t का मतलब क्या है? x, और t का मतलब क्या है? log x। नोट कर लो।